हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर खाने के मामले में, भिवंडी शहर ढाबे के मामले में और भिवंडी शहर का एक अलग ही मिजाज है। इन सारी चीज़ों के अंदर भिवंडी शहर जो है बहुत आगे है। हमने देखा है कि भिवंडी में कोई और टाइम पास, कोई और आपको इंटरटेनमेंट की जगह मिले ना मिले, लेकिन ढाबों की जो ये लाइन है चाविंद्रा से लेके जो आगे नासिक रोड तक के जो पूरी ढाबों की जो लाइन है, तो यहाँ पे आपको हर किस्म का एंटरटेनमेंट मिलेगा, हर किस्म के ढाबे मिलेंगे। और यहीं पे आज हम आए हैं भिवंडी के दस्तरखान रेस्टोरेंट में, जो कि ये ढाबों की लाइन में है लेकिन ये ढाबे में नहीं आता। मैं आपको पहले स्पेसिफाई कर दूँ, तो ये एक रेस्टोरेंट ही है और यहाँ की जो सारी चीज़ें, जो सारे मेनू जो बना हुआ है वो रेस्टोरेंट के ही लाइन पे बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि क्या है ये ढाबों से अलग, ढाबों के बीच में जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है और क्या कंपटीशन दे रहा है, क्या टक्कर दे रहा है दस्तरखान, यहाँ पे दस्तरखान रेस्टोरेंट इन्हीं सभी ढाबों को। तो हम यहाँ पे एंट्रेंस में हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये अभी शाम के 7 बजे है, सनसेट का टाइम हुआ है और सनसेट के टाइम में जो है यहाँ का जो माहौल है वो आप खुद देख सकते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरती जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो दस्तरखान की, जो यहाँ का जो इंटीरियर है, जो एम्बियंस है, ये आपको समझ में आएगा, ये आपको खुद फील होगा कि क्या चीज़ यहाँ पे जो है भिवंडी शहर में आपको देखने को मिल रही है। एक अद्भुत कलाकारी या हम कहेंगे कि एक बेमिसाल आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दस्तरखान रेस्टोरेंट में। आप देखो कि ये जो सनसेट के टाइम पे जो यहाँ पे देख, हम आपको पूरा टूर करवाएंगे, साथ ही साथ किस तरह के खाने हैं यहाँ पे, क्या सर्विस है, क्या इनका जो इंग्रेडिएंट्स रहता है, क्या रेसिपी रहती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, देखिए दस्तरखान रेस्टोरेंट में। दोस्तों, द वॉइस न्यूज़ के व्यूवर्स के लिए खुशखबर, दस्तरखान रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आए हैं 15% डिस्काउंट। मंडे टू थर्सडे फाइनल बिल अमाउंट पर रहेगा फ्लैट 15% ऑफ। ये ऑफर सिर्फ 10 जून तक है अवेलेबल। यहाँ का फैमिली सेक्शन, मैं आपको बता दूं कि दो सेक्शन है वैसे ही, जैसे कि यहाँ पे भी एक जेंट्स सेक्शन होता है, एक फैमिली सेक्शन होता है, तो ये फैमिली सेक्शन है। तो फैमिली सेक्शन में भी एंट्रेंस में आपको देखेंगे तो बड़ा सा फिश पॉन्ड, ये फिश पॉन्ड एक नया अट्रैक्शन हम आपको देखेंगे कि लाइव यहाँ पे जो है इसकी खूबसूरती देखने को बनती है। और ख़ास करके सनसेट के इसमें जो है अगर आप देखोगे तो अलग ही इसकी खूबसूरती है, माशाल्लाह क्या नज़ारा है। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इनके भी जो है, एक तो दस्तरखान टाइप है कि देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है D1, तो ये दस्तरखान इस तरह से बैठ के और ऊपर जो मेज़दाइन है वहाँ पे भी बैठ के जो है खाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, खाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और साथ ही साथ में हम लोग अगर आगे आएंगे तो ये छोटा सा एक बच्चों को खेलने का एक सेक्शन छोड़ा गया है कि बच्चे अगर आएंगे यहाँ पे तो टाइम पास कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सुकून का माहौल मिल रहा है, तो मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे तो बच्चों को घर पे छोड़ कर आके यहाँ पे अगर अपने पार्टनर के साथ में आपको क्वालिटी टाइम बिताना है, आपके कुछ मीटिंग है, कुछ प्रोफेशनल टाइम है, तो यहाँ पे ये प्लेस जो है भिवंडी में, इससे अच्छा मैं आपको और कहीं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पे आप जो सुकून, एक पीस ऑफ माइंड अगर आप बोलोगे ना, तो यहाँ पे वो महसूस हो रहा है। आप देखिए और किस तरह से यहाँ पे जो एम्बियंस जो बनाया हुआ है, और कहीं हैवी लाइट नहीं आपको नज़र आएगी, डीम लाइट है, जैसे कैंडल लाइट डिनर के लिए जो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर के लिए जो डीम लाइट जो माहौल होता है, तो वो यहाँ पे एक हम कहेंगे कि जैसे रोमांटिक माहौल भी अगर आप इसको पकड़ेंगे कि रोमांटिक माहौल के हिसाब से भी यहाँ पे जो है पूरा एम्बियंस बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर आए मेज़दाइन पे, तो ये मेज़दाइन पे भी जो है वाव, ये जो है ये दस्तरखान जो खास इसीलिए जो बनाया गया, इनका जो नाम रखा गया दस्तरखान, तो ये यहीं पे बैठ के आराम से, ये तकरीबन यहाँ पे 12 से 15 लोग बैठ के आराम से इत्मीनान से जो है खाना खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते। और जो यहाँ का जो इस तरह का जो एम्बियंस हमें नज़र आ रहा है वो तो देखने को मतलब वाव, सनसेट के साथ में जो हम नज़ारा देख रहे हैं, आसमान पूरा गुलाबी हो चुका है और गुलाबी उजाले के अंदर जो है ये जगमगाता दस्तरखान रेस्टोरेंट, वाव।
ये बच्चों का ओपन एरिया है, ओपन स्पेस से थोड़ा सा छोड़ा है ताकि एक लॉन टाइप में है कि बच्चे यहाँ पे आके थोड़ा सा एंजॉय करें, और अगर बच्चे नहीं भी तो यहाँ पे छोटी सी पार्टी जैसे बर्थडे पार्टी, कुछ सेलिब्रेशन हो गया, एंगेजमेंट वगैरह हो गया, तो इसके लिए भी जो है ये स्पेस काफ़ी अच्छा यूज़ होता है यहाँ पे। और साथ साथ में ये देखिए यहाँ पे ये जो टेबल चेयर, जैसे कि ये लॉन है पूरा यहाँ पे, तो इसकी भी फैसिलिटी है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नीचे ही बैठ के खाना है, दस्तरखान नाम दिया तो हम दस्तरखान पे खिलाएंगे, ऐसा नहीं है, टेबल चेयर भी है यहाँ पे, तो इस तरह का जो है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो टेबल है यहाँ पे, चेयर नहीं, यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, क्योंकि कितना मतलब एक हम कहेंगे कि कम्फर्ट का जो है ख्याल रखा गया है यहाँ पे, कस्टमर की कम्फर्ट का ख्याल रखा गया है। टेबल बहुत ज़्यादा साइज़ में नहीं, हाइटेड नहीं है, तो इत्मीनान से बैठ के जो है यहाँ पे कोई भी अपना खाना, अपना मील जो है यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। शेड भी आप देखेंगे तो ये गजीबो टाइप है, यहाँ पे सारे लाइट्स भी जो है काफ़ी डीम लाइट है, और काफ़ी एंटिक लैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, जो कि आँख पे चुभते भी नहीं, इनकी लाइट जो है वार्म लाइट है, और देखने को भी एकदम सूदिंग एटमॉस्फेयर हमको लगता है। और हम आगे देखेंगे क्या है, देखिए ये कंटिन्यू लाइन से जो है सारा इसी तरह का जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। इंटीरियर जो है बहुत ही बेस्ट है, आपको यहाँ पे वुडन टच दिखेगा, पूरा के पूरा जो इंटीरियर है वो लकड़ी से बनाया गया है, और बहुत ही बेहतरीन, मतलब देख दिलकश नज़ारा देख के जो है एक अलग ही फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। वाह देखिए ये जो, ये मेरा फेवरेट स्पेस है, अगर जब से हम आए तो मतलब मैं दो तीन बार यहाँ का जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पे बैठ के जो है बातचीत करने का, डिस्कशन करने का, मीटिंग करने का यहाँ का मज़ा अलग है, क्योंकि किस तरह की जो यहाँ की चेयर और टेबल का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है बेहतरीन है, बेहतरीन। और साथ ही साथ में एक ओपन स्पेस है, ना कोई ऊपर का शेड है ना कुछ है, तो यहाँ पे बैठने का अलग मज़ा है शाम के वक्त में। जैसे मैंने आपको बताया है कि पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना है। तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे और भी क्या चीज़ें, क्या अट्रैक्शन है, साथ ही साथ में यहाँ का खाना भी जो हम टेस्ट करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ फैमिली सेक्शन में ही घूम रहे थे, हम जो है इनका जेंट्स सेक्शन देखेंगे। तो दोस्तों दस्तरखान रेस्टोरेंट का दस्तरखान सज गया है हमारे सामने, और यहाँ पे हमारे सामने ड्राई आइटम्स है। आपके पास टोटल कितने आइटम हैं ड्राई के? टोटल ये ड्राई में 370 है टोटल आइटम, 370 टोटल आइटम है, और इसमें से सिर्फ चार हमारे पास में रखे हुए, और चारों ऐसे लग रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी अम्मी कहा करती थी कि जो खाने वाला है ना तो वो पहले आँख से खाता है, फिर नाक से खाता है, और फिर ज़ुबान से खाता है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों को ये आँख से खाने की जो बात जो चल रही है, तो ये हमको नज़र आ रहा है कि ये वाकई में ये जो चीज़ है ये देख के लग रहा है कि इसकी जो जो टेस्ट है, देखो मेरे को बोलने भी नहीं हो रहा, अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये मैं चाहूँगा कि एक एक करके हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, चखेंगे, और मैं आपको इसका स्वाद बताऊँगा। और मेरे स्वाद के बताने पे आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जब तक कि आप यहाँ पे आके खुद टेस्ट नहीं करोगे आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि ये चीज़ें कितनी टेस्टी है, कितनी लजीज है। तो हम थोड़ा सा शुरू करेंगे। ये क्या है? ये अपनी प्रॉन्स महारथी है। प्रॉन्स महारथी, वाह, वो देख के महारथी लग रहा है, वो डिश की महारथी लग रही है, उसके अंदर महारत हासिल की, ऐसा लग रहा है हमको कि जो शेफ़ है उन्होंने इसमें महारत हासिल की है, ये हमको लग रहा है जी। और ये अच्छा बता, हाँ दूसरा वो तो सीख दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में, थोड़ा सा इसको ये करो, सर्व करो इसको। ये अपना मखमली टिक्का है सर, मखमली टिक्का तंदूर के अंदर बनते हैं, तो ये बोनलेस रहता है, कभी मखमली बोलते शायद इसको जी। हाँ तो बच्चे भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं, इनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा तीखा नहीं रहता। नहीं, 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 अच्छा ये क्या है? ये सेसमी चिकन है, सेसमी चिकन। तो हम लोग शुरुआत इससे करते हैं, स्नैक चाइनीज आइटम है, क्रिस्पी है, साथ साथ में जो शेजवान का जो फ्लेवर आता है शेजवान का, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके अंदर।
और क्रिस्पी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ स्नैक्स खाना है तो इससे अच्छा कर ये हम लोग यहाँ पे आके मंचिंग के लिए, जैसे क्या हम कहेंगे मंचिंग के लिए, चबाने के लिए जैसे बोलते हैं ना, कुछ एक मंच करने के लिए चाहिए, तो वो इससे बेहतर मैं समझूंगा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें चाइनीज़ का भी फ्लेवर आ रहा है। प्रॉन्स हम चख के देखेंगे, प्रॉन्स जो है, ये प्रॉन्स पे क्या ये मलाई डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, ये चीज़ है, चीज़ है, वाह, चीज़ है। इसका नाम बताया था आपने, प्रॉन्स महारथी, प्रॉन्स महारथी। प्रॉन्स और चीज़ का कॉम्बिनेशन पहली बार मैं खा रहा हूँ, आपको बता दूँ ऑनेस्टली, लेकिन वाकई में जो इसका कॉम्बिनेशन है, जो टेस्ट, प्रॉन्स की एक अलग खुशबू होती है, जो कि आप अगर खाली प्रॉन्स की सिर्फ ग्रेवी खाओगे ना, तो भी आपको उसकी प्रॉन्स की खुशबू आएगी, और उसके साथ में जो है ना, हम लोगों को यहाँ पे जो चीज़ का फ्लेवर आ रहा है साथ में, वो अद्भुत है, लिटरली मतलब डिलीशियस। ये है मखमली कबाब, बराबर ना जी? मखमली जी, मखमली। तो मखमली के ऊपर क्या डाला है हम लोगों ने यहाँ पे, मखमली के ऊपर ये जो है, ये चीज़ है कि मलाई है, क्या है ये जी? मिल्क क्रीम है। हाँ, इसके ऊपर मैंने मलाई है, मिल्क क्रीम, मिल्क क्रीम है ना, ये मलाई है, ये मखमली। साथ में काजू भी है, साथ में काजू है। जो मीठे में, जैसे कि हम लोग अक्सर जाते हैं ढाबे पे, तो मलाई कबाब जो है मेरी फेवरेट रहती है, लेकिन उसमें ना मीठा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ का जो मीठा है ना, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, क्योंकि चिकन के साथ में ना मैचअप कर रहा है। मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा जो मलाई कबाब और कई ढाबों पे हमने जो खाई है, तो वहाँ पे काफ़ी मीठी रहती, तो जो उसका जो टेस्ट रहता है ना, वो तीखे के साथ में कॉम्बिनेशन मज़ा नहीं आती, लेकिन इसमें वाकई में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना एक चीज़ी फ्लेवर आ रहा है, और एक मलाई का जो है ना सूदिंग फ्लेवर जो बोलते हैं हल्का सा, वो आ रहा है, तो मिठास कम है और तिखास तो ना के बराबर है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। शबनमी टिक्का, शबनमी टिक्का, हाँ हाँ। तो क्या है इसके अंदर, इसमें क्या मायनीज तो है, ये ऊपर का क्या इसका, ये है ऑमलेट है, वाओ ऑमलेट है, और मायनीज का ये है ना जी। अच्छा, ये यहाँ का सिग्नेचर आइटम बताया जा रहा है, और वाकई में दिख तो रहा है ये एकदम, इसके ऊपर लेयर जो है डबल डबल बोनलेस आइटम है ये, और इसकी जो लेयर है, वाओ, मायनीज साथ में ऑमलेट। मैं आपको बता दूं कि जो चिकन भी है यहाँ पे, ये मतलब मेरे ख्याल से ऑर्डिनरी फार्म की नहीं होगी, क्योंकि चिकन की जो सॉफ्टनेस है वो अलग ही है, मतलब ये खाने वालों को पता होगी कि जो चिकन रहती है ना, अगर आप लोग ऑर्डिनरी फार्म की खाओगे चिकन, तो है ना वो बड़ी चिकन ज़्यादा रहती है, तो वो खाने में नहीं आती, सिर्फ वो मुँह में घूमती है बहुत ज़्यादा, जिसको डुच्चा बोलते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, मटन सिक। वाह, ये अपना सिगड़ी का आइटम है। अच्छा, सिगड़ी आइटम, ये सिगड़ी आइटम है, सिगड़ी का आइटम जो है यहाँ पे। और इनको इन्हें ग्रीन चटनी के साथ में खाओ और भी मजा आएगा। ऐसा जी। मटन के तो क्या कहने, मटन की तो बात ही अलग होती है, और उसके साथ में फिर अगर ये सीख में अगर भुना हुआ रहेगा और साथ में ग्रीन चटनी, तो ये जो जो सीख है उसके अंदर, मैं आपको बता दूं कि खास बात क्या होती है, कि जो तो उसका जो उसको रोस्ट करना रहता है, तो वो ज़्यादा करने पे जल जाता है और कम करने पे कच्चा रह जाता है, तो वो जो उसकी जो क्वांटिटी होती है जो रोस्ट करने की, जो इसका टाइमिंग होता है, वो यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि जो इसका कलर है आपको दिखेंगे एकदम सुनहरा कलर है, थोड़ा सा जूम करना, सुनहरा कलर है ना, आपको ना कच्चा दिखेगा ना आपको जला हुआ दिखेगा, इतना परफेक्ट है यहाँ पे। तो ये समझ में आता है कि यहाँ के जो कुक है, जो यहाँ के जो शेफ़ है, वो कितने वेल ट्रेंड है। हमने ये क्या है, रोजाली कबाब है, ये रोजाली कबाब तंदूर का आइटम है, अंदर इन्हें खीमा स्टफिंग किया। अच्छा, ये भी सिग्नेचर यहाँ का सिग्नेचर है, रोजाली कबाब जी। ओहो हो, ऐसा है क्या, क्या बात है। हाँ, वो तो प्रॉन्स तो दिख ही रहा है, ये तो प्रॉन्स दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन इसको शेप दिया हुआ है प्रॉन्स का, मतलब यहाँ पे भी हमको एक क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, शेफ की क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, और इसके अंदर कीमा स्टफ किया हुआ है। हाँ, वो दिखा हमको ये कीमा, ये भी चिकन का कीमा है। नहीं, वाकई में इसके अंदर अदरक का जो है थोड़ा सा ज़्यादा ये है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये सारी चीज़ें, तो अदरक का थोड़ा सा फ्लेवर, क्योंकि जो रोस्टेड आइटम रहते हैं तो वो थोड़े से कहीं ना कहीं कच्चे रह जाते हैं, तो उसके लिए अदरक वगैरह जो है उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल करता है डाइजेशन के लिए। ये मोज़रेला चीज़ है इनके अंदर। अच्छा, ये भी तंदूर का ही आइटम है। अच्छा, ये सेम है, लेकिन इसके अंदर मोज़रेला में जो है, हाँ, इसमें चीज़ है। वाओ,
बेहतरीन। देख इसके लिए हाँ 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 अच्छा हाँ 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 तो इसको ऐसे ही खाना है पूरा एक साथ में। बाप रे चलो हम लोग भी टेस्ट ट्राई करते हैं कितना मुंह खुलता है हमारा। पानी पूरी खाने के लिए तो ज़्यादा खुलता है इसमें देखते हैं। इज्जत रह गई वाकई में। ये थोड़ा स्पाइसी है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्पाइसी फ्लेवर अगर खाना चाहता है तो उसके लिए आपको ये मोज़रेला ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि स्पाइस के साथ साथ में जो टेस्ट आ रहा है वाकई में एकदम बेहतरीन। और चीज़ के साथ में कभी कभी स्पाइस अगर आप देखोगे, चीज़ मीठे में तो अच्छा लगता है लेकिन स्पाइस के साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा मोज़रेला। विंटर तंदूरी सिकरी का आइटम है और ये इनका गेम चेंजर मतलब ये सबसे यूनिक आइटम है इनका कहना है। और इसका स्वाद जो है ये तीन तीन चार चार घंटे तक लोगों के मुँह में रहता है इसका जायका। ये यहाँ का ये लोग क्लेम कर रहे हैं इस तरह का, तो हम खा के देखेंगे कि वाकई में, क्योंकि दिखने में तो जो है इसका जो कलर वगैरह जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हरे मसाले में बनाया हुआ है, हरे मसाले में ना जी है ना। हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, हल्का सा तीखा और बेमिसाल, मतलब लिटरली मैं बोलूँ ना तो वाकई में जिस तरह से भाई ने बताया। एक और मैं बाइट खाता हूँ उसके बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा शायद। तो मतलब इसको डबल रोस्ट किया गया है और इसीलिए जो इसका जो जायका है, मतलब जो पहले मैरिनेट करके जो इसको रोस्ट करते हैं तो उसका तो पूरा टेस्ट उसके अंदर चढ़ जाता है, फिर उसके बाद में दोबारा इसको मैरिनेट किया जाता है, बराबर है ना। तो डबल मैरिनेट होकर इसको रोस्ट किया जाता है, तो वाकई में वो समझ में आ रहा है कि जो टेस्ट है डिफरेंट, मतलब आपको भिवंडी के किसी भी ढाबे पे या किसी भी रेस्टोरेंट में आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये मलाई टिक्का मसाला है, ग्रेवी के अंदर टिक्का। मैं आपको बता दूँ कि इसका जो चिकन है इसको पहले चिकन टिक्का बनाया गया इसका, और फिर मलाई के साथ में जो इसकी ग्रेवी बनाई गई तवे पे। और एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये लाइन में पहली बार ऐसा है भिवंडी के अंदर जो ग्रेवी के लिए तवा यूज़ हुआ है। अब तक हमने देखा कि वो पैन वगैरह में जो है ग्रेवी बनाते थे या तो फिर हांडी में ग्रेवी बनती थी, ये जो थिक ग्रेवी के लिए स्पेशली तवा बनाया गया है। तो ये गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है, अहमदाबाद वगैरह में, वलसाड में ज़्यादा चलता है ये, लेकिन तवा ग्रेवी जो है वो भिवंडी के अंदर हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्रेवी बनाई। तब हम इसको चख के देखेंगे, क्योंकि हमने खुद यहाँ पर क्रीम डालते हुए देखा था जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, नान के साथ भी खाएंगे, पहले मैं थोड़ा सा इसको ऐसा भी चख लूँ क्योंकि मेरे को देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसके लिए। वाह, ना ज़्यादा तीखा है और बेहतरीन टेस्ट है, क्रीम का इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है, साथ में जो ग्रेवी है उसका जो बटर है, बटर लगा है ना इसमें, बटर डाला है, तो वो जो फ्लेवर होता है बटर का ना, तो वो एक इसमें मतलब स्वाद छोड़ रहा है पीछे, जैसे कि स्टार्टिंग में जब आप खाएंगे तो क्रीम का तो स्वाद आ ही रहा है, लेकिन बाद में जब आप करेंगे तो वो पीछे जो स्वाद छूटता है तो वो बटर का छोड़ रहा है स्वाद। थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें नान के साथ चख के देखेंगे इसको। वाह, चिकन तो मैं बार बार बोलूँगा कि यहाँ की जो चिकन है वाकई में सॉफ्ट है, जो कि चिकन और किसी ढाबे पे जो हमको इतनी सॉफ्ट चिकन खाने को नहीं मिलती है। मतलब बच्चा भी खा सकता है, बड़े भी खा सकते हैं, जो गुटखा खाते हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान अक्सर करके तीखा नहीं खाते नहीं। ऑनेस्टली भिवंडी में अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि गुटखा खा खा के जो है ज़बान ये हो जाती है उनकी, तो तीखा नहीं खा पाते, तो ये चीज़ें जो है बटर के अंदर बनी हुई है तो वो भी खा सकते हैं। हेल्थ के वाइज भी मैं बोलूँगा कि जो दुबले पतले वो लोग भी खा सकते हैं, उनको थोड़ा सा फैट बढ़ेगा उनका तो वो लोग भी ज़्यादा खा सकते हैं। वाकई में अमेजिंग। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि भिवंडी शहर में भले ही हमें अच्छी रोड, अच्छी सड़कें ना मिले, भिवंडी शहर के अंदर अच्छे पार्क ना हो, लेकिन ये जो ढाबे की जो लाइन है यहाँ पे लोगों का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, अपने गेस्ट का, अपने विजिटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो हमें देखने को मिलता है कि एक के बाद एक जो है हर कोई ढाबे वाला, हर कोई रेस्टोरेंट वाला ये ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि अपने विजिटर्स का
उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, अपने विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें। और यही चीज़ जो है हमें यहाँ पे आज दस्तरखान रेस्टोरेंट में भी देखने को मिल रही है कि कितना अच्छा एम्बियंस उन्होंने कोशिश की है कि हर कॉर्नर पे जो है यहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ ब्यूटी स्पॉट छोड़ा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाई है जो कि अट्रैक्ट करती है, जो कि लोगों को देखने पर मजबूर करती है। दोस्तों मेरे पीछे ये दस्तरखान रेस्टोरेंट का किचन है जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे देखने ही समझ में आता है कि देखिए इसको पूरा कांच से किया गया कि कोई भी देख सकता है कि कितनी साफ़ सफाई से यहाँ पे खाना बन रहा है। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, रिसेप्शन का एरिया है, रिसेप्शन के एरिया के बाजू में ही इन्होंने ओपन तंदूर रखा है, और ओपन तंदूर रखने की वजह यह है कि लोग पसंद करते हैं कि सामने सामने से जो है उनको देखे कि उनकी कबाब, उनकी जो तंदूरी है वो कितनी कच्ची है, पक्की है और कितनी जल्दी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन तंदूर हमको देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल 7 बजे है शाम के, इसीलिए जो है यहाँ पर अभी प्रिपरेशन चालू है। जिस तरह से रेडी होगा तो हम आपको और भी आगे की जो है चीज़ें बताएँगे, लेकिन अभी प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साफ़ सफ़ाई हम कहते हैं, जो अक्सर करके जो है होटलों में देखने को नहीं मिलती, रेस्टोरेंट में देखने को नहीं मिलती, किचन उनका अक्सर गंदा होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि कितनी साफ़ सफ़ाई जो है यहाँ पे सबने बाकायदा हाइजीनिक कैप लगाई हुई है। तो ये चीज़ें जो है ये दर्शाती है कि खाने की क्वालिटी क्या होगी यहाँ पर और खाने का जायका क्या होगा। हमारे साथ में मुश्ताक भाई है, यहाँ के मैनेजर। मुश्ताक भाई थोड़ा हाथ तो मिला दो यार भाई, थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ की जो डिशेज़ है क्या खास बात है, इसमें क्या क्या डिशेज़ है और क्या खास बात है यहाँ पे। खास बात ये है कि जो भी डिश यहाँ पे है तो ऑलरेडी ये यानी जितना भी ढाबा है वहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे अच्छा। कुछ अलग ही है। अच्छा, यहाँ पे यूनिक स्टाइल से बनता है। हाँ, यूनिक स्टाइल से नहीं बनते अपने यहाँ। अच्छा, बाकी हर चीज़ में है ना आपको ठीक है, टेस्ट ही कुछ अलग मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, भारी बहुत ज़्यादा नहीं टेस्ट है, जैसे विंटर तंदूरी है, मोजरेला है अपना, यानी मटन सीख बनते हैं। विंटर तंदूरी, विंटर मोजरेला। हाँ जी, मटन सीख। अच्छा, तो नए नाम, तो सब नए नाम सुन रहे हम लोग। हाँ, सब इन्हीं नया ही है यहाँ पे अपने यहाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, जो चीज़ अपना यहाँ पे है ना कि यहाँ पे ऑलरेडी यानी एक भिवंडी के अंदर जितना भी ढाबा है ठीक है, कोई ढाबा के अंदर नहीं है। अच्छा, ठीक है, अपना यूनिक चीज़ यानी हर चीज़ यानी अलग ही है यहाँ पे। अच्छा जी, तो इसमें क्या खास बात, मतलब कुछ आप प्रिपरेशन में कुछ अलग करते हो या डिश ही पूरी अलग है? डिश यानी पूरा यानी अलग है अपना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और टेस्ट ही यानी अलग है अपना। अच्छा, ऐसा है क्या जी? और तंदूर आइटम में कुछ नया बताना चाहेंगे आप? जी नहीं, तंदूर आइटम के अंदर अपने यहाँ यानी नया में यानी अपने यानी मटका कबाब है ठीक है, मोजरेला है, रोजाली कबाब है ठीक है, महाराजा है, उसके बाद यानी अपने यहाँ यानी प्रॉन्स में है। अच्छा, सी फूड वगैरह भी है यहाँ पे? हाँ सब है, सी फूड में यानी आपको सब मिलेगा, तंदूर में भी मिल जाएंगे। हाँ, चाइनीज में भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, आपको यानी ग्रेवी मसाला में खाना है वो भी मिल जाएंगे सब। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सी फूड की भी जो बात हो रही है, तो सी फूड ढाबों पे तो रहता ही है अक्सर करके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अप टू द मार्क होगा, क्योंकि बहुत ही कम ढाबे ऐसे हैं या बहुत ही कम रेस्टोरेंट ऐसे जो कि सी फूड को प्रमोट करते हैं। वैसे महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है, तो और साथ साथ में हम देखेंगे कि प्रॉन्स वगैरह जो है वो टाइम पर मिलते भी नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा सी फूड को प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पर जब सामने से बोल रहे हैं तो सी फूड के अंदर और क्या क्या आइटम आप लोगों के पास में रहते हैं? सी फूड के अंदर चाइनीज़ के अंदर अपने यहाँ यानी प्रॉन्स है, स्पाइसी चिल्ली है, प्रॉन्स बटर गार्लिक है, हॉट पेपर है यानी प्रॉन्स में ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने पास नहीं प्रॉन्स यानी क्लियर पेपर है, अपने पास नहीं प्रॉन्स बारबेक्यू है ठीक है, यानी प्रॉन्स कोली वाला है। सब प्रॉन्स के बहुत सारे आइटम, मतलब वेराइटी ऑफ प्रॉन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप झींगे के शौकीन हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, और इनकी जितने भी लिस्ट है तो एक एक करके जो उसको ख़त्म कीजिए, चेक करके हमें भी कमेंट कीजिए कि कौन सा प्रॉन्स आपको ज़्यादा पसंद आया। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे कुछ गेस्ट है, कुछ कस्टमर बैठे, तो हम थोड़ा सा उनसे चाहेंगे फीडबैक लेने के लिए। तो थोड़ा सा भाई आप थोड़ा बात करेंगे, क्या नाम आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई कहाँ से आए? कल्याण से। कल्याण से आए? तो दस्तरखान में पहली बार आए क्या? हाँ पहली बार आए। कैसे, मतलब किसने कोई रिकमेंड किया? नहीं, ये ऐसा पब्लिक के, हम लोग ने सुना था बाहर से। अच्छा, नया अच्छा है, ज़रा खाना पीना अच्छा है, डेकोरेशन भी अच्छा है। अच्छा, ताबिश भाई आए थे तो आपको लेके आए यहाँ पे? हाँ। तो कैसा लगा खाने का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना है। कौन सी डिश खाई थी? ये अभी प्लेटर का है, चिकन प्लेटर का है, और अभी चिकन की डिश मंगाई, ग्रेवी है। टेस्ट अच्छा है खाने का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। क्या बात। और यहाँ का एम्बियंस वगैरह कैसा लगा? बहुत अच्छा है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, पहले से ही हमने एम्बियंस का सुना था। अच्छा, थोड़ा भाई से आप बोलो, थोड़ा सा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम नाला सोपारा से आए। नाला सोपारा से आए? क्या बात है। हाँ, ये हमारे बहन का बच्चा था। तो खाने में क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना अच्छा है।
सब खाना अच्छा। हाँ अभी तक जो खाया था अच्छा लगा सब। और सर्विस कैसी लगी बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सर्विस है। सर्विस अच्छी है। तबीश भाई आप थोड़ा सा वहीं से बोल दो। खाना माशाल्लाह है, सर्विस भी माशाल्लाह। मैं फ्राइडे को आ चुका था और सब फ्रेंड्स के साथ में, उसके बाद में मैं अभी आया हूँ फैमिली लेके। हाँ तो सर्विस भी अच्छी है और खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यस यस, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है इनका। सर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे हम आपसे कि आप यहाँ पे अक्सर आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे दस्तरखान का जो खाना बोलो या एम्बियंस बोलो, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एम्बियंस बोलेंगे तो जितने यहाँ पे लाइन से पूरे ढाबे, उनमें किसी ढाबे के अंदर ये क्वालिटी का एटमॉस्फेयर पहली बात तो अवेलेबल है ही नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ का जो खाना है वो तो नॉर्मली बहुत बेहतरीन ही रहता है और हम लोग हमेशा यहीं पे ही आते हैं। हम लोग कोई और ढाबे पे नॉर्मली जाना जल्दी प्रीफर करते नहीं हैं। अच्छा, तो और हाँ जी, फैमिली के हिसाब से भी अगर आएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब सेपरेशन है। हाँ। सर्विस बहुत अच्छी है, बच्चों को भी हम लोग चाहे तो ओपनली यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिश पाउंड के पास बच्चे तो घूमते ही रहते हैं। गार्डन बहुत अच्छा है और क्लीनिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से की गई है। अच्छा, और हमेशा रहती है क्लीनिंग। मतलब अगर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ के एम्बियंस में अगर आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे तो क्या दोगे? पूरे 10। अच्छा, 10 out of 10। 10 out of 10। आप कुछ बोलना चाहेंगे थोड़ा सा दस्तरखान के बारे में? एक्चुअली ये तो मेरे एक फ्रेंड का ही है जो यहाँ पे सर्विस देता है, तो इसके लिए उसने फर्स्ट टाइम मुझे रिकमेंड किया जब मैं आया था। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि उसने मुझे खुद इनवाइट किया कि जस्ट ओपन हुआ है, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू सी हाउ द एम्बियंस एंड हाउ द क्वालिटी ऑफ फूड। तो मैंने जब यू हैव फाइंड एक्चुअली आई फाउंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक स्टार्टर इज़ वेरी गुड एंड द एम्बियंस इज़ वेरी गुड एंड people are also good, service is also very nice, and the main thing is that the first dhaba in Bhiwandi is having a step. Achha, yeah, miss them wagera jo hai. Yeah. तो दोस्तों ये था दस्तरखान रेस्टोरेंट जो कि भिवंडी नासिक रोड भिनार गांव में है और चाविंद्रा के बस जस्ट बाजू में भिनार है, तो वहीं पे दस्तरखान रेस्टोरेंट आपको दिख जाएगा। यहाँ की हमने आपको सारी चीज़ें बताई और मैं आपको बता दूं कि खाना वाकई में लाजवाब था। हर किस्म की जो यहाँ पे हमने जो डिशेस ट्राई की, ऑलमोस्ट हमने 7 से 8 डिशेस ट्राई की और सब के सब जो है एक से बढ़कर एक। फूड क्वालिटी अच्छी थी, मसाले के जो स्पाइसेस रहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी थी, जो चिकन वगैरह मैंने आपको बार बार बोला कि चिकन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ वालों ने बोला है कि यहाँ के जो खाने हैं वो पेट भी ख़राब नहीं करते, तो वो तो हमको सुबह मालूम पड़ेगा कि किस तरह के यहाँ के मसाले थे। तो ये चीज़ें जो है हम आपके सामने रखना चाहते थे ताकि लोग यहाँ पर आए और एक नया एक्सपीरियंस इन्जॉय करें, क्योंकि ढाबे तो बहुत सारे हैं, अपने किस्म में ये एक नया रेस्टोरेंट है जो कि आप लोगों को जो कि आप सभी को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में हम हमारा यहाँ का वीडियो आज का ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी डिटेल सारा वीडियो जो है पसंद आया होगा। आप कमेंट में अपनी राय दीजिए, एक बार यहाँ पे आने के बाद में आप दोबारा कमेंट में अपनी राय दीजिए कि किस तरह का खाना, क्या टेस्ट, क्या सर्विस आपको यहाँ पे मिली है, और हम देखेंगे कि क्या फीडबैक आप देते हैं। तब तक हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज मेमन द वॉइस से, थैंक यू।